हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं निरंतर एक के बाद एक डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं और मैं आपसे आग्रह भी कर रहा हूं कि आप इनको बहुत मन से पूरा करते रहिए और ये सब आने वाले दिनों में हम लोग एक एग्जीबिशन में एग्जीबिट करेंगे। तो मेरा क्लास 6, 7, 8 के सभी स्टूडेंट से ये आग्रह है कि आप सब ये कार्य अपने मन घर पर मन लगाकर करते रहें। मैं इसी डेमोंस्ट्रेशन की कड़ी में आपको इस बार जो डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूं, मैं पोर्ट्रेट का दे रहा हूं। आपको मुझे पता है पोर्ट्रेट बहुत पसंद है, आप घर पर बैठे बैठे किसी का ही पोर्ट्रेट करते रहते हैं। निरंतर मुझे कुछ लोग, कुछ बच्चे पोर्ट्रेट पेंसिल शेडिंग से बनाकर भेज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पोर्ट्रेट का डेमोंस्ट्रेशन देता हूं। और इस ये पोर्ट्रेट में जिन्होंने हमारे देश के लिए, आजादी के लिए, देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी है, मैं उसके पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। महाराणा प्रताप हो, चाहे कबीर हो, अब्दुल कलाम हो, शिवाजी हो, या भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे वीर स्वतंत्र सेनानी का भी आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और इसमें हम पेंसिल शेडिंग भी कर सकते हैं, कलर पेंसिल भी कर सकते हैं, इसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, और इसको अपनी आर्ट फाइल पर ही करेंगे। तो मैं डेमोंस्ट्रेशन दूंगा, और इससे पहले मैं बता दूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, और इसमें मैंने पोर्ट्रेट चूज किया है महाराणा प्रताप का। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सिखाऊंगा आपको कि सबसे पहले एक ओवल बनाएंगे, इस ओवल को हाफ करेंगे, दोनों तरफ से हाफ करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसके बाद नीचे वाले पार्ट को हाफ करेंगे और फिर हाफ करेंगे, और जो मिडिल वाली लाइन है उससे हम स्टार्ट कर देंगे। देखो, पेंसिल से मैं बना रहा हूं, और हम जब
पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट के लिए हमें फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ये आपकी पेंसिल लाइन ड्राइंग हो गई है। इसके बाद हम इसको ब्लैक आउटलाइन करेंगे। लोगों ने बताया था कि आप इसको ब्लैक आउटलाइन वॉल पेन से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास OHP परमानेंट मार्कर है पतला वाला तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसमें OHP मार्कर से अगर आप आउटलाइन करते हैं तो और भी अच्छी होती है। क्यों हो गया, इसके बाद हम इरेज कर देंगे। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कलर करना। हम वर्मिलियन कलर लेंगे, वर्मिलियन कलर में थोड़ा सा गैम्बोज कलर मिलाएंगे और हम फिर उसको लाइट लाइट लगाएंगे।
इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी हम लेंगे। आवश्यकता अनुसार हम ब्रश को लेंगे, कहीं पर हमें मोटे ब्रश की भी जरूरत पड़ती है, कहीं हमें पतले ब्रश की जरूरत पड़ती है। और अब हम थोड़ा थोड़ा डार्क कलर लगाना शुरू करेंगे। और ये आप याद रखें कि जो डार्क टोन लगेगा तो जो हमने फर्स्ट कोट लगाया था उसी का डार्क टोन लगेगा। जब आप कलर करें तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप डरे नहीं बिल्कुल भी, आप तो बहुत से बच्चे होते हैं कलर लगाते हुए डरते हैं, और आप डरे नहीं बिल्कुल भी। जब आप कलर करें तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप डरे नहीं बिल्कुल भी, आप तो बहुत से बच्चे होते हैं कलर लगाते हुए डरते हैं, और आप डरे नहीं बिल्कुल भी।
थोड़ा सा ब्रश साफ कर रहा था और ये सब मैं पहले भी फर्स्ट कोट कर रहा हूं। अभी बैकग्राउंड पे जरूर थोड़ा सा कलर लगाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा पानी आप पहले लगा लें। मैंने बोला था पेपर पानी थोड़ा सा पहले इसलिए लगा लेते हैं कि हमारा पेपर स्मूथ हो जाता है। आप बहुत आराम आराम से बनाइएगा क्योंकि आपके पास टाइम है। और पोर्ट्रेट मैंने बताया था कि पोर्ट्रेट हमेशा पेशेंस के साथ बनाते हैं। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि आप किस तरीके से पोर्ट्रेट की स्टार्टिंग करते हैं और जितना भी पेशेंस आप बनाएंगे पोर्ट्रेट उतना ही अच्छा बनेगा।
आपकी बुक में कोई पोर्ट्रेट होगा फ्रीडम फाइटर का, वो आप ले सकते हैं और उसमें से देख के आप बनाइए।
ये आपका तैयार हो गया पोर्ट्रेट। इसमें भी और भी बहुत काम कर सकते हैं, और लेकिन आप अपने घर पर बहुत पेशेंस के साथ ये पोर्ट्रेट बनाइएगा। इसमें विशेष रूप से ध्यान ये रखिएगा कि आपका पानी गंदा नहीं होना चाहिए, पानी को बार बार साफ करते रहें, छोटे और पतले ब्रश का ज्यादा यूज करें, और इसमें वर्मिलियन ये ऑरेंज को ज्यादा यूज करें, येलो लेमन येलो को बैकग्राउंड में जरूर यूज करें, पर्शियन ब्लू और कोबाल्ट ब्लू को ड्रेस में यूज करें। तो इस तरीके से ये सब कलर मिलाकर आपको ये पोर्ट्रेट तैयार हो जाएगा। ये मैंने वाटर कलर से डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, लेकिन क्लास सिक्स के बच्चे सबसे पहले इसको एक ही कलर में जरूर करें, जिससे उनकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग हो जाएगी और वो और भी अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।